कोरोना की महामारी ने घेरा और लॉकडाउन ने आवागमन के साधन बंद कर दिए, लेकिन हौसले ने रास्ता फिर भी बंद नहीं होने दिया। परदेश में पड़े थे, काम भी बंद हो गया और इसीलिए घर वापसी करना ज़्यादा बेहतर लगा, तो सब इकट्ठा हुए और समूह बनाकर पैदल ही चल पड़े। बीती 26 मार्च को हैदराबाद से पैदल ही निकल पड़े लगभग 150 मजदूरों का ये जत्था गुरुवार को मैहर से रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ सतना जिले के मैहर पहुंच गया। इनके मैहर पहुंचने की खबर मिली तो मेडिकल टीम वहां पहुंच गई और सभी की जांच शुरू कर दी गई तथा उनके भोजन व पानी का इंतजाम किया गया। इन सभी मजदूरों को प्रशासन ने 2 दिवस के लिए यात्री निवास रहने का इंतजाम भी किया। वहीं मजदूरों ने बताया कि वे वहां मार्बल की घिसाई कटाई का काम करते थे। लॉकडाउन के बाद उनकी कंपनी के मालिक ने उनके भोजन व पानी का इंतजाम करने के बजाय भाड़ा दे दिया और घर जाने को कह दिया, लेकिन सारे साधन बंद थे, कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे सभी पैदल ही निकल पड़े। मजदूरों ने बताया कि वे बांदा के रहने वाले हैं और हैदराबाद से सड़क के रास्ते पैदल चलते हुए मैहर तक पहुंचे हैं और फिर यहां से रेलवे ट्रैक पकड़कर बरौधा थाना क्षेत्र जा रहे थे। रास्ते में उन्हें ना तो किसी ने रोका और ना ही कहीं भोजन आदि की व्यवस्था मिली। हालांकि मैहर पहुंचने पर प्रशासन ने उनके खाने पीने का इंतजाम किया है। ये जो कोरोना जांच के लिए कक्ष बनाया गया है, उसमें हैदराबाद और चंद्रनगर से कुछ लोग आए हैं जिनका यह परीक्षण किया जा रहा है। उनकी हालत जो अभी तक हमने देखा है सब स्वस्थ हैं और कोरोना के ऐसे कोई लक्षण अभी नहीं पाए। क्या आप इनको रुकने की कोई व्यवस्था करेंगे? रुकने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। यहाँ हमें जाँच के लिए रखा गया है कि यहाँ जाँच की जाए। इनको पुलिस वालों ने भेजा है कि आप जाँच करवा के आओ। मैहर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद शावलानी की रिपोर्ट।